बहुत खुशी की बात है, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने की बदौलत ये गेम यहाँ पर आया है। और जो जो स्टेट बॉडी स्टेट जो बॉड गवर्नमेंट है, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी काफ़ी मेहनत है, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इतना सब अरेंज उन्होंने किया हुआ है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई स्कूल नेशनल गेम के अंदर योगासना और मलखम आया है, फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया के बाद ही आया है। ये जो योगासना जो आया है उसकी पूरी जो क्रेडिट है हमारे जीवाईएसए के प्रेसिडेंट उदित सेठ जी को जाती है, उनकी बदौलत और गुजरात गवर्नमेंट जो है उनकी वजह से ये गेम दोनों गेम जो है नेशनल गेम के अंदर इंक्लूड हुआ है। नेशनल गेम के बाद बच्चों के लिए काफ़ी सारी जगह ओपन हो जाएगी, बहुत सारी जगह पे उनको जो जॉब के लिए उनको अच्छा चांस मिल जाएगा, जॉब के सिवाय खुद का बिजनेस कर सकते हैं, खुद के क्लास चला सकते हैं, अच्छी तरह वो डेवलप उसको कर सकते हैं। एथलीट को एक ही खुशी होती है, एक ही सपना होता है कि वो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करे, स्टेट की तरफ से वो खेले, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। आजकल की जनरेशन बहुत अलग तरीके से है, वो मैक्सिमम मोबाइल के अंदर से क्रिएट रहती है, मोबाइल के अंदर ही वो काम करती है, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि मोबाइल उनके लाइफ के लिए बहुत ख़राब चीज़ है, उसमें से गलत रास्ते निकलते हैं, लेकिन अगर स्पोर्ट्स में जुड़ेंगे, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसके अंदर जुड़ेंगे, उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स के अंदर मिलेंगे, उनकी लाइफ के लिए, उनके फिजिकल के लिए बहुत अच्छा है।